आज हम जवाहर कला केंद्र में हैं, जहां पर राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा की अधिकारी प्रियंका मीणा जी के द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई हुई है। 19 अगस्त से 23 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलेगी, जहां पर आपको राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान के तो लगभग सभी सेंचुरीज के यहाँ पर पक्षियों के चित्र आपको मिलेंगे, और उनका जो एंगल है, किस तरीके से वन्य जीव अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसका किस तरीके का दृष्टिकोण है, और मनुष्य को और प्रकृति को किस तरीके से नज़दीक होने का एक एहसास करवाते हैं, उसकी एक जीती जागती मूर्त के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र भी है, और उसके माध्यम से प्रकृति हमको क्या संदेश देती है, इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें छिपा हुआ है। आइए हम जानते हैं प्रियंका मीणा जी से, जिन्होंने इस क्षेत्र को किस रूप में चुना, किस रूप में सफलता प्राप्त की, और आज इसको देखकर हमें देखकर बहुत हर्ष और गौरव की अनुभूति है। तो ये जब इनके साथ जीती है, इनके साथ एक तरह से बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है, अपनी नौकरी में रहते हुए भी उस दायित्व को भी पूरा निभाती है, ये हॉबी भी आप पूरा करती है, तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से सफ़र शुरू हुआ। मेरा नाम प्रियंका मीणा है, मैं RDS सर्विस से हूँ, RS 2008 बेस से हूँ, और 19 अगस्त से मैंने ये JKK में सुदर्शन आर्ट गैलरी है, वहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगाई है, और मुझे बर्ड वॉचिंग का शुरू से शौक रहा है, ये मेरी हॉबी है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए मैं पैशनेट हूँ काफ़ी, तो इसलिए मतलब मैंने ये स्टार्ट किया, 2.5-3 साल हो गए मेरे को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हुए, तो मतलब ये मेरा पहला कदम है ये मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ, और लोगों को जानकारी देने के लिए कि बर्ड्स की कितनी वैरायटी होती है और कितनी वाइल्ड लाइफ है, हमारे राजस्थान में भी कितनी वाइल्ड लाइफ है, कितने बर्ड्स माइग्रेटरी आते हैं राजस्थान में और कितने बर्ड्स हैं यहाँ पे, तो लोग जाने देखें, इसलिए मैंने ये मतलब एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, और मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ आगे। देखिए बर्ड्स सुबह सुबह ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सुबह सुबह आप 6 से 9 का टाइम मान लीजिए गर्मियों के टाइम में, तो मतलब ऑफिस टाइम से पहले सुबह सुबह 6 बजे निकल जाती हूँ मैं, मतलब डेली तो नहीं हो पाता है लेकिन हर 4-5 दिन में ऐसा होता है, और वीकेंड पे तो मेरा निकलता है टाइम वहाँ पे आसपास में, जैसे हम प्रताप नगर रहते हैं तो गोनेर है मेरे पास में, वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, उधर चंदलाई है, बरखेड़ा है, तो यहाँ पे मेरा होता रहता है बर्डिंग साइट, तो सुबह मैं तो 6 बजे निकलती हूँ ऑफिस से पहले, और 8-8:30 तक अपना कंप्लीट किया और सीधा फिर ऑफिस। मैं तो यही मानती हूँ कि अपन को नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, अभी जो हो रहा है आप सब देख रहे हो, नए नए वायरस आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं उनके अंदर, वो सब हमारा ही नतीजा है, आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, अपन भी अब कोरोना काल में बहुत लोगों को रियलाइज़ भी हुआ है कि नेचर की तरफ बढ़ें, वाइल्ड लाइफ को सेव करें, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है तो हम हैं, एक इकोसिस्टम होता है जिसका पार्ट हम भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, हवा भी है, पानी भी है, पृथ्वी पूरी इसी से बनी है, अगर एक भी सिस्टम इसमें से गड़बड़ होता है तो मतलब पूरा मतलब आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो मतलब नेचर को सेव करना है, वाइल्ड लाइफ को सेव करना है, ये मतलब हमारे हाथ में है। अच्छा, अक्सर महिलाएं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत कम होती है, लेकिन आपने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बखूबी किया है, और शायद कुछ गिनी चुनी महिलाएं इस फील्ड में होगी, सही बोल रहे हो, तो मैं आप इसको देखती है। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम है, और स्पेशली राजस्थान से तो बहुत ही कम है, तो मतलब मैं तो इसे एक तरीके से अपना मतलब कॉन्फिडेंस ही मानती हूँ, और एक तरीके से मोटिवेशन ही मानती हूँ कि और महिलाएं भी मेरे को देख करके, या फिर और जो महिला फोटोग्राफर है उनको देख करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि इससे मतलब फोटोग्राफी से एक ही होता है, आपकी हॉबी तो हो ही रही है, इन लोगों को भी जानकारी मिलेगी, जैसे अधिकतर लोगों को तो ये नहीं पता कितनी बर्ड्स की वैरायटी है हमारे राजस्थान में, हमारे इंडिया में कौन कौन से पार्ट में, नहीं मालूम है कौन कौन से वन्य जीव हैं, तो लोग उनके बारे में जानें और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ बढ़ें थोड़ा, इस वजह से मैंने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, एक मेरी पहचान बनाने के लिए भी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मैंने 2.5-3 साल से स्टार्ट किया है, तो मतलब इसमें एक पहचान मिले, ताकि मतलब ये फर्स्ट कदम मान लीजिए इसको आप, उसके बाद में मैं अपना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ।